हॉट डॉग में सॉसेस का इस्तेमाल होता है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हॉट डॉग नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी स्टाइल प्योर वेज हॉट डॉग। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। एक पैन में हम एक चम्मच ऑयल ले लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम एक चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हींग ऐड कर देंगे। जीरे को अच्छे से सौते कर लेना है, और उसके बाद हम अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट को ऐड कर देंगे। उसे करीबन आधा मिनट के लिए हमें यहाँ पे सौते कर लेना है। तो अदरक लहसुन और ग्रीन चिली को हमें अच्छे से कुक करना है, कच्चा ना रहे उसका बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद हम ले लेंगे एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना ड्राई मैंगो पाउडर और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह पेस्ट तैयार करने से क्या होगा कि हमारे जो मसाले हैं वो भी नहीं जलेंगे, और हमारा जो स्टफिंग तैयार होगा उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस मसाले की प्यूरी को हम ऐड कर देते हैं, हमारी अदरक लहसुन वाली पेस्ट है उसके अंदर, और करीबन आधा मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे। जैसे ही सारे मसाले कुक हो जाए तो ऐड कर देंगे बॉइल्ड पोटैटो। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो को मैश करके रखा था, उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह मिक्स करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारे आलू में आ जाएगा। जैसे ही एक बार आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसी के बाद हम ऐड कर देंगे बहुत सारा फ्रेश कोरिएंडर। तो हमारा जो आलू का स्टफिंग है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस स्टफिंग को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, पकौड़े में यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसके आलू के वड़े भी बना सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे एक पैन, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के हॉट डॉग के जो ब्रेड है उसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम दोनों साइड इसे रोस्ट कर लेंगे, लेकिन अंदर की साइड है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा रोस्ट करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो हॉट डॉग है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बाहर से एकदम सॉफ्ट, बीच में जो मसाला है उसका टेस्ट और थोड़ा सा क्रंचीनेस। यहाँ पर मैंने रेड चिली और गार्लिक की चटनी तैयार कर ली है। तो नॉर्मली मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और उसमें गार्लिक ऐड करके इस तरह की चटनी तैयार कर ली है। तो बहुत ही ईजी वाली चटनी है, आप इसे बहुत ही ईजी से बना सकते हैं। उसे अप्लाई कर देंगे, उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई करना है, और उसके बाद हमने जो आलू का स्टफिंग तैयार किया है उस स्टफिंग को हम अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा ही स्टफिंग लिया है, आप अपने हिसाब से स्टफिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड कर देंगे अनियन, और यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। तो ग्रीन चटनी को हमें इस तरह थोड़ी सी लिक्विड ही बनानी है, इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ग्रीन चटनी है वो मैंने पुदीना और धनिया की बनाई है, और उसके बाद ऐड कर देंगे चीज़, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चीज़ ऐड करने के बाद वापस से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड कर दी है, और इसे इस तरह से पैक कर देंगे। तो बिल्कुल देसी स्टाइल हमारा हॉट डॉग बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान है, आप बच्चों को नाश्ते में भी इसे दे सकते हैं, अगर घर में कोई पार्टी है तो भी आप सारी स्टफिंग बना के रख सकते हैं और एंड में ही इसे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।